दोस्तों, गर्मियों का मौसम हर इंसान को उसके शहर में मौजूद वाटर पार्क या फिर हर उस स्विमिंग पूल के बारे में बता देता है, जहाँ जाके वो अपनी गर्मी और थकान को उतार सके। और आज हम आपके लिए दुनिया में मौजूद कई ऐसे ही पूल लेकर आए हैं, जिन्हें बेशक लोगों द्वारा नहीं बनाया गया, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, प्रकृति ने इन पुलों को इस हिसाब से बनाया है कि आप इन पुलों में जाकर नहाने का एक भी मौका नहीं छोड़ेंगे। केव पुल। ग्रीस के घने जंगलों में बना ये पुल असल में पहली बार 1951 में देखा गया, लेकिन लोगों ने इसे तब इस्तेमाल में नहीं लिया क्योंकि वो नहीं जानते थे कि ये पुल उनके लिए सुरक्षित है या नहीं। परंतु कई सालों की रिसर्च टीम के द्वारा की गई खोजों के बाद इस पुल को सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। असल में ये पुल खतरनाक उन लोगों के लिए भी था जिन्हें गहरे पानी से डर लगता है, क्योंकि 100 फीट गहरे पानी में तैरने की काबिलियत हर इंसान में नहीं होती है। लेकिन आपको बता दे, अगर आपको जला देने वाली गर्मी से बचना है तो ग्रीस का ये ठंडे पानी का पुल आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन माना जाएगा। वेल पुल। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, असल में आप इसे एक पुल या फिर पानी का भरा हुआ वो कुआं भी बुला सकते हैं, जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता। आपको बता दे, असल में ये पुल पानी की गहराई में गोता लगाने वालों के लिए सबसे सटीक जगह मानी जाती है। लेकिन याद रहे, इसी कुएं में डूबकर कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं, और यही कारण है कि इस पुल को दुनिया के सबसे खतरनाक पुल की गिनती में शामिल किया जाता है। एक केल पुल। असल में ये पुल प्रकृति के द्वारा बनाया गया 130 फीट गहरा वो पुल है, जहां आपको हाई जंप के साथ साथ डीप वाटर में जाने का मौका भी मिल जाता है। लेकिन ध्यान रहे, असल में ये पुल अपने नाम में ही किल शब्द को छुपाए हुए है। तो आखिर इस पुल में कुछ तो ऐसा है जिससे कि लोगों की जान जाने का जोखिम भी होता है। असल में इस पुल की गहराई में बनी गुफाओं में लोगों का फंस जाना ही इस पुल का सबसे बड़ा जोखिम माना जाता है, और यही कारण है कि इस पुल में आपको हर जगह लाइफगार्ड यानी कि आपका ध्यान रखने वाले लोग मिल जाते हैं। सिया पुल। समुद्र के ऊपर बनी ये गुफा असल में लोगों को अपने बेहतरीन लुक के चलते तो पसंद आती ही है, लेकिन इस गुफा में मौजूद पुल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि यहाँ आपको समुद्र का ठंडा पानी समुद्री रफ्तार के साथ स्विमिंग करने का मौका देता है, जो मौका आपको किसी भी दूसरे पुल में शायद ही मिले। परंतु ध्यान रहे, इस गुफा के पत्थरों पर चलना आपको काफी दिक्कतों का सामना करवा सकता है, क्योंकि कई जमे ये पत्थर इतने चिकने हो चुके हैं कि कोई भी इंसान बिना सहारे के इन पत्थरों पर सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से किस पुल में जाकर स्विमिंग करना चाहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।